नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी मोहन हूं और आज का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम उसमें डिस्कस करेंगे। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन बहुत ही ब्रॉड स्केल पर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल और डिटेल आउट करके डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी और एक एग्जाम्पल लाइव दिखाऊंगी जिसमें कि क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे रेपुटेशन के बारे में। हर एक को अपनी रेपुटेशन बहुत ही प्यारी होती है और यही है एग्जाम्पल कंपनी के साथ भी। तो आइए देखें कई ऐसी कंपनीज जो कि ऑनलाइन मौजूद हैं विद ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब ये है कंपनीज जो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कंपनीज हैं जैसे अमेजोन हो गया, ब्रिटानिया हो गया, स्टारबक्स, हार्वेस्ट, जोमैटो, इन्होंने एक अच्छा काम कर रखा है और ऑनलाइन मोड अच्छा बना रखा है। ये दो कंपनीज रिसेंटली मेरे साथ ठीक नहीं थी और इसीलिए मैंने जब इनको ऑनलाइन लिखा उन्होंने सही जवाब भी नहीं दिया, तो इसीलिए इन दोनों को मैं अच्छा नहीं मानती। अब जब मैं ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि ये दो कंपनीज मुझे पसंद नहीं है या पसंद हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब कोई भी कंपनी अपना रेपुटेशन कैसे मैनेज करती है? डिजिटल मोड पे हर एक आ तो जाता है। डिजिटल में एंट्री करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी एंट्री ले सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, रेपुटेशन जहां आपकी है वहीं रहना बहुत ही मायने रखता है। अब किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मुझे प्रॉब्लम है अमेजोन से या फिर फूड हॉल से या पार्ले जी से या ब्रिटानिया से, तो मैं उनको कॉन्टैक्ट करूंगी। अब कॉन्टैक्ट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, या तो मैं उन्हें फ़ोन कर लूं, या मैं उनको एक ईमेल लिख दूं, या फिर मैं उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कॉन्टैक्ट कर लूं। लेकिन आजकल का नया तरीका होता है, आप व्हाट्सएप, ट्विटर पे लगे तो रहते ही हैं, फेसबुक भी देख रहे होते हैं, साथ ही साथ आपने एक ट्वीट भी कर दिया कि ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, क्या करें इसका। उनको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना चाहिए। आइए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है अमेजोन। ठीक है, इसको मैंने लाइव किया है, देखिए हम मैंने क्या लिखा है उनको और उन्हें क्या रिप्लाई बैक किया। तो ये मैं आपको बताई थी कि ये गुड वंस हैं, अमेजोन एक अच्छा एग्जाम्पल है। आइए देखिए मैंने उनको क्या लिखा और इसी को कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब मैंने उनको एक ट्वीट किया जो कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेटमेंट, ये रहा मेरा पल्लवी मोहन, मेरा आईडी है। मैंने उनसे पूछा क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स वेयर टू डिस्कस। अब उन्होंने इमीडिएटली, मैंने भेजा था करीब 1 बजे भेजा था, 3 घंटे पहले भेजा था और उनका रिप्लाई भी उसी वक्त आ गया था आसपास, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर कंसर्न बेटर, प्लीज इलेबोरेट ऑन द सेम, वी विल हेल्प यू। बेसिकली वो मदद करना चाह रहे हैं। अब ये है एक तरीका जो कि कोई भी कस्टमर आपके बारे में लिख सकता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में जाना बहुत आसान है लेकिन कोई भी कस्टमर आपके बारे में लिख सकता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे? अब किसी ने किया ट्वीट या फिर मैंने फेसबुक पे लिख दिया, अब रिप्लाई बैक होता है। तो अब हर एक कंपनी एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रिप्लाई बना लेती है। अब हर एक कस्टमर को वो वही रिप्लाई देती है लेकिन फिर उसकी गहराई में जाती है, मांगती है बारकोड, मांगती है, पूछती है क्या हुआ और उसके हिसाब से रिप्लाई करती है। तो सबसे पहला तो हुआ फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो पहला मोड होता है वो होता है कि कस्टमर ये जान जाए कि आप उसको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो तो हो गया पहला। दूसरा होता है आप प्रॉब्लम समझिए और उसको रिप्लाई करिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे वो उसको बम्बार्ड कर देगा, रीट्वीट कर देगा, फेसबुक पे डाल देगा और लोगों को बताएगा, तो उससे मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप इमीडिएटली देखें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और अगर जेन्युइन है तो इमीडिएट रिप्लाई करें। कई बार लोग ऐसे ही कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी अमेजोन को ट्वीट किया है लेकिन वो मैं हटा लूंगी ट्वीट, लेकिन मैंने बस यही पूछा कि भाई स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा डिटेल में बताइए, हम आपको बताएंगे कैसे देखते हैं स्टेटमेंट। अब कई कंपनीज हैं जो मैंने कहा है कि अच्छी नहीं है, वो भी समझें कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। हम अपने प्रेजेंटेशन पे वापस जा रहे हैं। अब मैंने कहा था ये दो कंपनीज मुझे अच्छी नहीं लगी, अब इसमें क्या हुआ जो मेरे को अच्छा नहीं लगा? अब इसका भी रिप्लाई मैंने ऑनलाइन ही मांगा था।
तो ऑनलाइन में फूड हॉल में मैंने एक आइटम मांगा था जो काफी महंगा था, और क्योंकि वो एक नॉनवेज आइटम था तो उसमें बर्फ लगानी जरूरी होती है, अगर बर्फ नहीं लगाते तो वो आइटम खराब हो जाता है और बहुत ही कम उसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो अक्सर तो वो लोग लगा के देते हैं, लेकिन इस बार बस पिछले हफ्ते की बात है कि उन्होंने लगा के नहीं दिया तो वो खराब हो गया। तो उनको मैंने एक ट्वीट किया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया है। तो जनरली कस्टमर अगर वेट कर रहा है और 4,000 का मामला है तो उसको गुस्सा तो आ ही रहा होगा, तो इसीलिए कई बार आपको इमीडिएट रिप्लाई करना बेहतर रहता है। करीब 1 दिन के अंदर कर दें या 48 आवर्स 2 दिन के अंदर तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल था पार्ले जी। अब एक जगह पर तो 4,000 का एग्जाम्पल हो गया, एक जगह 4 रुपए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये तो छोटा सा एक पैक था जो पार्ले जी का बिस्किट था। अब उसका मैंने जो कोड है और जो डेट ऑफ पैकिंग और वो सब जो चीजें हैं वो पूरी एक फोटोग्राफ में ली और मैंने उसको पोस्ट किया और कहा कि इसका क्या करना है। उनके पास ट्विटर आईडी फेसबुक वगैरह तो था नहीं, तो मैंने उनको एक जीमेल एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेजा और उनका रिप्लाई आया कि हम देख रहे हैं, काफी दिनों बाद आया। और अभी 1 महीने तक वो देख ही रहे हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और उन्होंने कुछ नहीं बताया। आइए अब हम दो वेबसाइट्स पे जाते हैं, एक जाते हैं ब्रिटानिया जहाँ पर हमें मिल जाते हैं ग्लूकोज बिस्किट और दूसरा है पार्ले जी, और उन दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर करते हैं। तो ये है लाइव एग्जाम्पल ऑनलाइन का जहाँ आप देखेंगे कि कैसे रेपुटेशन मैनेज होती है किसी प्रोडक्ट की, और हमने ये लाइव किया है। तो ये तो है ब्रिटानिया की वेबसाइट जो काफ़ी अच्छी खासी है, और जब हम इनको कॉन्टैक्ट में बोलते हैं तो इनके पास कई मॉड्यूल्स हैं जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, कई हैं और ये भी ग्लोबल हैं। अब हम जाते हैं पार्ले जी की वेबसाइट पे। ये बोल तो रहे हैं ग्लोबल प्रेजेंस, और जब ग्लोबल प्रेजेंस बोल रहे हैं तो हाँ ये है, इनका दिख रहा है कि ग्लोबल प्रेजेंस है, लेकिन जब हम कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं तो अब वो पहले ही दिखा रहे हैं कि आप ईमेल लिखिए। तो यहाँ पर है टेली कम्युनिकेशन, मतलब टेलीफोन हो जाएगा और फैक्स हो जाएगा, लेकिन कोई भी ऑनलाइन मोड नहीं है। फिर भी मैंने एक आईडी ढूंढकर उनको मेल किया और रिप्लाई में आपको जैसा कि बता चुकी हूँ कि कोई रिप्लाई आया नहीं। तो ये है रेपुटेशन को कैसे मैनेज करते हैं। तो डेफिनेटली ये दो एग्जाम्पल जो है ये आपको बता देगा कि जब भी कोई चीज़ हम ऑनलाइन जाना शुरू करते हैं, और अब कोविड टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करना चाहेंगे, ज़्यादातर लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन जाना चाहेंगे तो ऑनलाइन ही रिप्लाई भी चाहेंगे। कई लोग तो खाना भी ट्विटर पे ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत चल पड़ा है और इसको लेना ही पड़ेगा सिस्टम में। और जब आप ऑनलाइन ले ही लें, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप तैयारी कर लें, तो घुसना तो आसान है लेकिन रेपुटेशन मैनेज करना और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। कई टूल्स भी आते हैं, मेल्ट वाटर है और भी कई तरह के टूल्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है इसमें वो है ORM, जो आपकी रेपुटेशन है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं ऑनलाइन मोड पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, तो जो भी आपको भाषा अच्छी लगती है सुनने के लिए वो उस दोनों में मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और ये सिर्फ डिजिटल या मार्केटिंग में नहीं होंगे, ये हेल्थ में भी हैं, साइंस में भी हैं, और भी कई इंटेलेक्चुअल लोगों से मैं मिलती हूँ तो उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक पे बोलें कुछ मिनट, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर मैं उनको भी अपने चैनल पे डालती हूँ। तो कभी भी आपको लगे कि आपका कोई टॉपिक है जो कवर होना ज़रूरी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।